मेरे सारे बच्चों, बहुत ही प्यारी छात्राओं, मैं श्रीमती कल्पना किशोर, सह आचार्य गृह विज्ञान, पाना देवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटपुतली से बोल रही हूँ। वैसे तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होम साइंस की सभी छात्राएं मुझे जानती हैं, लेकिन आने वाली जो पहले फर्स्ट ईयर की जो छात्राएं हैं शायद वो मुझे नहीं जानती होंगी, क्योंकि अभी उनके एडमिशन्स हुए नहीं हैं और होने बाकी हैं, और रीज़न आप सभी को पता है। बच्चों, आज कई दिनों के अंतराल के बाद 1 जुलाई 2020-21 का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, और इस सत्र में हम लोगों को, आपको पता है कि इस समय आप बच्चों को सावधानी बरतते हुए हम कॉलेज में नहीं बुला सकते, और थर्ड ईयर और कई सारे आपकी परीक्षाएं भी बाकी हैं जो कि सावधानी के साथ और सरकार के आदेशों के अनुसार उनको करवा लिया जाएगा। बच्चों, कई दिनों के अंतराल के बाद जब आज मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला है तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ, और साथ ही मैं आपके सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए अब मैं अपना आगे का के जो विचार है वो प्रकट करना चाहती हूँ। मैं गृह विज्ञान की हूँ, तो कल से अपन कक्षाएं शुरू करते हैं सिलेबस के साथ में, लेकिन सबसे पहले मैं कोरोना जो संक्रमण जो कि पैनेडमिक जो कि विश्व महामारी के रूप में फैला है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो ये इतना अब उसको 4 महीने के लगभग होने को जा रहे हैं, तो आप लोग सभी से इससे सहम मतलब इसके बारे में ज्ञान रखते हुए सभी को पता है कि किस तरह से उससे बचाव किया जा सकता है, क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरह से हम लोगों को सब कुछ करना है। लेकिन मैं एक आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ, और आप मेरे परिवार के सदस्य हो, और मैं आपके एक मुखिया के रूप में समझ लीजिए, एक फ्रेंड के रूप में समझ लीजिए, एक शिक्षक के रूप में समझ लीजिए, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता दूं, बाद में अपन विषय की बात भी करेंगे। आपको पता ही है कि कोरोना महामारी संक्रमण जो है वो इस लेवल पर जा चुका है कि इससे बचना अत्यंत अत्यंत महामुश्किल हो रहा है। हम एक दूसरे को छूने लायक भी नहीं रहे, इंसानियत नाम की चीज़ भी नहीं रही। हम चाहते हैं एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, लेकिन ये सब कुछ बंद हो रखा है, क्योंकि हमको उससे बचने के लिए सावधानी बरतनी आवश्यक है। आपको पता ही है कि सबसे पहले आप कहीं से भी आए अपने कपड़े रोज़ धोएं, आप बाहर से आए तो अपने आप को सैनिटाइज़ करें, आप 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को पहले साबुन से धोएं, रोज़ कपड़े चेंज करें, मुंह पे मास्क लगा के रखें, किसी भी चीज़ को छूने से पहले सैनिटाइज़र यूज़ करें, और कम से कम जहाँ तक हो सके तब तक घर से बाहर ना निकले। इसीलिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में भी व्यवधान स्टार्ट ना हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए आगे से आगे स्मार्टफोन के तहत इस हमारे अपने जो कॉलेज का जो है उस ऑनलाइन से अपना जुड़िए, और जुड़ने के बाद के अंदर आप रोज़ के जो लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करिए, जो कि हर सब्जेक्ट में होंगे। जो भी विषय आपने लिया है वो होगा, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो। अब वैसे तो आपको कोरोना के बारे में सभी कुछ पता है, और थोड़ा बहुत जो भी था वो मैंने बता दिया है। अपना कॉलेज सैनिटाइज हो चुका है, हम लोग भी वहाँ पर जितना भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत सावधानी बरतते हुए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, ग्लव्स के साथ, और भी कई चीज़ें हैं जो कि उन सब को हम पालन करते हुए कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों को जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे और इस साल सेकेंड ईयर में हैं, उन सब की लिस्ट लगा दी गई है। तो आप कोशिश करिए कि पहले तो बाहर ना निकलें, और बाहर निकलें ये देखने के लिए कि हमारी लिस्ट में नाम है या नहीं। तो बाहर बोर्ड पर ही लिस्ट है, तो वहीं पर आप चेक कर लीजिए, और बहुत ही ज़्यादा अगर कोई समस्या आती है तब आप हम लोगों से संपर्क स्थापित करिए, या फिर फ़ोन के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने अभी तक सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में फ़ीस जमा नहीं कराई है, वो प्लीज़ फ़ीस जमा ना कराने की भी अपनी कोशिश करिए ई मित्रा पर जाकर।
और इसके बाद भी आपको अपना एडमिशन देखना है तो आप ई मित्रा पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और वो सब देखकर। आप लोगों का हम लोगों ने अपडेट कर दिया है और आगे फ़ीस जमा कराने की तारीख है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई से पहले या 13 जुलाई है शायद या जो भी है वहाँ तक आप फ़ीस जमा करा दीजिए। समझ गए आप सब बात? अच्छा बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ने की कोशिश करिए, खूब फ़ोन नंबर्स दीजिए अपने। मेरा फ़ोन नंबर यही है, मेरा मेल आईडी भी आपको पता है, मेरा फ़ोन नंबर भी 9829066222 है। जो भी ग्रह विज्ञान से संबंधित या एडमिशन से संबंधित है आप इस पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अपन आते हैं अपने विषय पर। अब विषय में एक होता है फर्स्ट ईयर, दूसरा सेकेंड ईयर, तीसरा थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में 2 आपके थ्योरी पेपर होते हैं और 2 प्रैक्टिकल होते हैं। सेकंड ईयर में भी 2 थ्योरी होते हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं। थर्ड ईयर में भी 2 थ्योरी होते हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे करके थ्योरी पेपर्स अपने 50-50 नंबर के होते हैं और प्रैक्टिकल अपने 50-50 नंबर के होते हैं। जैसे जैसे कक्षाएँ आगे खिसकेंगी वैसे वैसे मैं आपको सिलेबस के बारे में पूरा बता दूँगी। अभी मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि जो फर्स्ट पेपर थ्योरी का फर्स्ट ईयर के अंदर है उसका नाम है आहार एवं पोषण, मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं फूड्स एंड न्यूट्रिशन। फूड्स एंड न्यूट्रिशन ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी कुकिंग क्लासेस भी आपके कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी लैब के अंदर होती हैं और होंगी। भगवान से अपन प्रार्थना करते हैं कोरोना जाए और हम सब मिलें और अपन वापस से रूबरू होकर और अपन कक्षाएँ स्टार्ट करें और भी अपने जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और आगे चलें। तो सबसे पहले आज मैं सिर्फ आपको इसकी परिभाषा बताना चाहूँगी कि भोजन क्या होता है, क्योंकि आहार एवं पोषण ये भोजन से जुड़ा हुआ ही विषय है। तो आहार में भोजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भोजन जो शब्द है जो कि हम रोज़ सुबह खाते हैं, शाम खाते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसका एक तरीका होता है खाने का। उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से, हर तरह से उसका वो होता है। तो आज मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा पदार्थ चाहे वो तरल हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हो, उसके खाने से शरीर में कार्य करने की शक्ति आती है, ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, ऊर्जा आती है और उसकी क्षतिपूर्ति और वृद्धि होती है और मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है और इंसान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास होता है। अब वो हर उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है और इसी को भोजन कहते हैं। भोजन के अंदर कई पौष्टिक तत्व होते हैं और वो पौष्टिक तत्व किस तरह के होते हैं, किस समय कौन सा पौष्टिक तत्व किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, कौन सा पौष्टिक तत्व अपनी वृद्धि के लिए होता है, कौन सा अपने विकास के लिए होता है, अपने पूरे दिन के आहार तालिका के अंदर कौन सा पौष्टिक तत्व कब लेना चाहिए, कौन सा किस तरह से बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। और मैं आज की क्लास पहली क्लास है इसलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान ना करते हुए, और पहली बात तो है कि कितने स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, कितने नहीं जुड़े हैं, मुझे अभी तक इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। प्लीज़ आप मेरे से ज़्यादा जुड़िए और कल अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। आप सभी से मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य, आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और आने वाले समय के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहते हुए आज इसको समाप्त करती हूँ। Thank you and all the best, all of you. Thank you.